सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित द हिटमैन चैनल। तो अभी हम लोग कवर करेंगे जो अफ्रो बास्केट वुमन ड्रीम इलेवन में ऐड किया हुआ मैच है, टूनिशिया वुमन वर्सेस इवोरी कोस्ट वुमन के बीच में। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ मैं वीडियोस डालूंगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप न्यूज़ और इंजरी न्यूज़, ये सारे डिटेल मेरे यूट्यूब के वीडियोस में मिलेंगे। तो वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और आपको जैसे मैंने बताया राइट साइड में नीचे आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सेकेंड चीज़, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पर आपको सिर्फ सर्च करना पड़ेगा रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन, ठीक है। ये सर्च करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाओगे या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होंगे लास्ट मिनट में या कोई इंजरी रिपोर्ट आती है तो ये सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन पर आपको अपडेट किए जाएंगे। सीधा बात करते हैं ट्यूनिशिया वुमन वर्सेज इवोरी कोस्ट वुमन के मैच के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ट्यूनिशिया और इवोरी कोस्ट, तो इवोरी कोस्ट टीम है उसका अभी तक एच भी मैच नहीं हुआ टूर्नामेंट में, तो उसके स्टैट्स मैं आपको ओरली बता दूंगा क्योंकि आपको कहाँ भी उसके स्टैट्स मिलेंगे नहीं। तो प्लेयर वाइज मैंने स्टैट्स सर्च किए, उस हिसाब से मैंने आपको टीम कॉम्बिनेशन में बता दिया है, ठीक है। तो ट्यूनिशिया का देखेंगे, जो एक मैच खेल चुकी है ट्यूनिशिया ऑलरेडी, तो स्टार्टिंग लाइनअप देखते हैं कौन था कौन नहीं था। तो स्टार्टिंग लाइनअप में थी एच एमरोनी, आर लोविनी, डब्ल्यू लोबेरी, एम सी एम ट्रिबलेजी, तो ये स्टार्टिंग लाइनअप में थी। और बेंच से खेली थी आर अबीडी, एम बैकर, एम हमरौनी, एन हमरजावी, लास्ट में है एन मालाट और उसके आगे है नासरी और रेबाई। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, देख सकते हो बहुत वीक टीम है ट्यूनिशिया का, 101-39 से वन साइड मैच लॉस की थी। परफॉर्मेंस देखते हैं, एम सी 33 मिनट्स खेली थी, 3 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 5 असिस्ट, बाद में है डब्ल्यू लॉबरी 16 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 1 असिस्ट 27 मिनट्स में, आर लविनी 4 पॉइंट्स, 6 रिबाउंड, 1 असिस्ट 25 मिनट्स खेली थी, एच हमरौनी 23 मिनट में 4 पॉइंट्स, बाद में है एम हमरौनी 11 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड 21 मिनट्स में, बाद में है एम ट्रिबलेसी 4 रिबाउंड से 20 मिनट्स में, एम बक्कर 18 मिनट्स में 1 असिस्ट, बाद में एन एमजावी 2 रिबाउंड 17 मिनट्स में, बाद में देख सकते हो आर रेबाई 1.1 रिबाउंड 7 मिनट, बाद में है आर अबीडी 1 रिबाउंड 4 मिनट्स में, एन नासिरी 1 रिबाउंड 4 मिनट्स में, बाद में एम मलाट 3 मिनट्स में कुछ कंट्रीब्यूट अपने टीम के लिए किया नहीं था। तो ट्यूनिशिया का मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी वीक टीम है और स्टैट्स भी आपको मैंने डिटेल में बता दिए, ठीक है। तो अभी बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इवोरी कोस्ट का ये फर्स्ट मैच है टूर्नामेंट का, और जैसे मैंने कहा कि ये वुमन्स के मैचेस है तो आपको जो पहले के स्टार्स कहाँ पे मिलेंगे नहीं, तो मैंने जैसे आपको गूगल पे मैंने सर्च करके ऑलरेडी आपको स्टैट्स निकल के दिए उस हिसाब से मैंने टीम प्रोवाइड की है, तो मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया है यहाँ से एम हरूनी, लास्ट मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस था ट्यूनिशिया की तरफ से, सेम फॉर डब्ल्यू लॉबेरी, तो दोनों को आपको पिक करना है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। एच एम्बेले अमानी, ठीक है, तो इसका एवरेज है 4.2 रिबाउंड, ठीक है, तो अगर आप चाहे तो इसको पिक कर सकते हो अपने टीम में, मैंने इसको मेरे टीम से ड्रॉप किया है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ से शूटिंग गार्ड सेक्शन से पिक किया एमसी ने, एमसी को जो लास्ट मैच में स्टार्ट की थी बढ़िया परफॉर्मेंस था, उसके बाद में कैच ए कोने या फिर के डियारा शोभा की, इसमें से किसी एक को आपको पिक करना है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ के डियारा शोभा के साथ, अगर ए कोने स्टार्ट करती है तो ए कोने के साथ मैं जाना प्रेफर करूँगा। तो फिलहाल के लिए मेरे टीम में मैंने पिक किया के डियारा शोभा को। तो उसके बाद में एसएफ सेक्शन से मैं जाऊँगा डी डियावरा, गाइस बहुत बढ़िया है वुमन्स में, अगर आप कंसिडर करेंगे 14.5 रिबाउंड इसका एवरेज है पर मैच का, तो बेस्ट पिक आपके लिए साबित हो सकती है। के क्वाइटो भी अच्छे स्टैट्स है इसके, 8 पॉइंट लपक दे रही है और 4 रिबाउंड के साथ ये अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, तो दोनों को मैंने पिक किया है। एम मलाट देख सकते हो गाइस, परसेंटेज बेस पे कभी मत जाना, लास्ट मैच में सिर्फ 3 मिनट खेले एम मलाट ट्यूनिशिया के टर्म से, ऑलरेडी वीक टीम है और 3 मिनट्स ही सिर्फ खेले, तो सीधा इसको इग्नोर करना। तो ऑलरेडी जैसे मैं बता रहा हूँ परसेंटेज के हिसाब से कभी टीम न बनाना, ठीक है। तो गाइज और एक चीज़, के क्वाटे या एम क्वाटे किसी एक को आप प्रेफर कर सकते हो अपने टीम में, एज पर स्टैट्स परफॉर्मेंस के क्वाटे को मैं जाना साथ प्रेफर करूँगा। पीएफ सेक्शन से मैंने पिक किया है गाइज एस बैटे को, एन हौदा असरी अगेन 68.73% गाइज टोटली वेस्ट, लास्ट मैच में देख सकते हो 0-0 है सब, ठीक है, तो इसको मैंने ड्रॉप किया है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, एच हमरौनी स्टार्ट किए थे लास्ट मैच में सिर्फ 4 पॉइंट्स है ट्यूनिशिया की तरफ से, ऑलरेडी वीक टाइम है 17 के 8 में, मुझे नहीं लग रहा है ये वैलिड पिक होगा आपके लिए, तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ।
अभी ए मारिया ओरागा और एस बैठे, तो इन दोनों में से जो स्टार्ट करेगा उसको मैं मेरे टीम में प्रेफर करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जाऊंगा एस बैठे, क्योंकि उसके स्टैट्स ए मारिया के ओरागा के थोड़े बेहतर है। अगर स्टार्ट करते ए मारिया ओरागा तो मैं ए मारिया ओरागा के ही साथ जाना प्रेफर करूंगा। ठीक है, सेंटर सेक्शन से मैं जाऊंगा आर लोइनी के साथ, ये मेरी सेंटर सेक्शन में रहेगी क्योंकि ट्यूनिशिया की तरफ से स्टार्टिंग लाइनअप में भी थी ये, तो इसके साथ में जाना प्रेफर करूंगा। तो ये मेरा कुछ रहेगा टीम का प्रीव्यू। गाइस एसपी और पीपी के लिए तीन चार ऑप्शंस है इस मैच में। एसपी आप डियावरा और पीपी लॉबेरी को कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन मुझे बेस्ट लग रहे हैं। अगर आप चाहे तो एम ओरानी अगर स्टार्ट कर रहे तो इसको भी पीपी कर सकते हो, तो एसपीपी रिवर्स कर सकते हो, या फिर ये तीन ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। तो गाइस ये मेरी प्रोबेबल टीम है, क्योंकि इसके जो लाइनअप्स आएंगे उस अकॉर्डिंग आप हमारी टीम में फाइनल टीम में चेंजेस करेंगे। तो ये मेरा जैसे मैंने बताया है कि एज पर रिसेंट स्टैट्स ये मेरा प्रोबेबल टीम है, फाइनल टीम नहीं है। अगर कुछ लाइनअप में चेंजेस होते हैं या कोई इंजरी रिपोर्ट आती है लास्ट मिनट में, तो वो सारे चेंजेस मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन ड्रीम इलेवन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो तब तक आप स्टैट्स के यूज़ लेके ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। स्मॉल लीग के लिए भी बेस्ट मैच साबित हो सकता है ये, इफ़ लाइनअप कम्स ऑन टाइम। ठीक है, तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।